जी सर, आए हमारे पास गवर्नर साहब, तो हमको बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। हमारे घर में तशरीफ़ रखी उन्होंने, बातचीत की, बच्चों से मिले, हमने बच्चे दिखाए, फैमिली दिखाई पूरी की, ये फैमिली है हमारी। तो उनका बस यही फ्यूचर कि आगे जो पढ़ाई उनका अच्छी हो, वो तो पढ़ाई के लिए जो बाप पिताजी था वो भी पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए हर टाइम जब छुट्टी आते थे तो यही बोलते थे बच्चे पढ़ो। तो हमारा भी आगे वही स्टेप है कि बच्चों को पढ़ाएंगे, जब तक हमारा ज़िंदगी है तो पढ़ाएंगे। बाकी हमारा जो है सर फख्र से ऊंचा करके वो गए हैं कि देश के लिए काम आए, तो वो भी बोल रहे थे तो हम देश के लिए बनेंगे और देश के लिए मर मिट जाएंगे, तो वही बात उन्होंने की। तो आगे जो वक्त आने वाला उसमें भी हमारा यही है, फैमिली पूरी जो है देश के लिए बनी है, और कोई रिटायर आए हैं, कुछ हैं अभी। तो बाकी जो है उन डिमांड रखी थी हमने इनकी, बच्चों की पढ़ाई की, हर एक चीज़ की, उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा। एक रोड का समस्या था इधर, बच्चों के लिए आने जाने के लिए दिक्कत थी, तो बोला कि ये भी हो जाएगा। तो एक पेपर में लिखा था, उन्होंने पढ़ा पूरा तफसील के साथ, तो बोला हो जाएगा, ऐसे कोई चिंता नहीं है। उन्होंने बोला हमको फ़ख्र है इस चीज़ का, जो बच्चा हमारे फैमिली का था वो आपका भी था और हमारा सबसे ज़्यादा था, ऐसे बोला उन्होंने। तो पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे घर आप तशरीफ़ रखी तो आप आए, शुक्रिया।